नमस्कार दोस्तों, ये है आपके सामने 2024 की हुंडा अमेज का VX टॉप मॉडल। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी की क्या कीमत है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है, क्या लग्जरी मिलती है इस गाड़ी में, और ये कितने KMPL का माइलेज देती है, और आप कितना कम से कम डाउन पेमेंट करके इसको अपने घर ले जा सकते हैं। A to Z सब कुछ देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इस गाड़ी का अगर आप पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बेहतरीन लगता है। और होंडा अमेज खरीदने का एक फ़ायदा ये भी है, जैसे अगर आप इसके कंपटीशन में देखेंगे तो मारुति की डिज़ायर आती है और होंडई की ऑरा आती है, लेकिन वो दोनों ही गाड़ियाँ टैक्सी में भी यूज होती हैं, ओला और ऊबर में। लेकिन एक चीज़ है, जैसे होंडा अमेज है तो ये सिर्फ आपको पर्सनल यूज के लिए मिलेगी, तो आपको वो टैक्सी वाली फीलिंग नहीं आएगी कि रोड में चलाते हुए कोई ये बोलेगा कि ये टैक्सी है। इस गाड़ी का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। 3995 मिलीमीटर गाड़ी की लंबाई है, 1695 मिलीमीटर चौड़ाई है और 1501 मिलीमीटर हाइट है। पूरा सामने पे डिज़ाइन देखेंगे तो बड़े साइज का लोगो मिल जाता है क्रोम पे, ऊपर क्रोम की चौड़ी पट्टी है और नीचे दो लाइन मिल जाती हैं क्रोम की, जो देखने में बहुत प्रीमियम लगती हैं। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो साइड में आपको 10 इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर पे हेडलैम्प यूनिट दिया है, यहाँ पे DRL मिल जाता है LED। नीचे देखेंगे तो फॉग लाइट भी मिल जाती है, साइड में क्रोम का यूज किया गया है और मैट ब्लैक कलर भी देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ें देखेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगती हैं। ओवरऑल अगर आप पूरा गाड़ी का फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। बोनट एरिया के ऊपर दोनों साइड थोड़े से लाइन्स दी गई हैं, दो वाइपर और वॉफर का फिटअप किया है। रूफ देखेंगे तो पीछे साइड शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, सनरूफ वगैरह इसमें नहीं मिलता। पूरा साइड का डिज़ाइन भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है, एक बार आप पूरा डिज़ाइन देख लीजिए। इस गाड़ी में सेफ्टी भी अच्छे लेवल की मिल जाती है, सिर्फ दो ही एयरबैग मिलते हैं, ABS प्लस EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। लेकिन 6 एयरबैग बेस मॉडल में देने चाहिए थे, स्टैंडर्ड कर देने चाहिए थे बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक। यहाँ पे 15 इंच का टायर मिल जाता है और एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। मल्टी स्पोक में है, डायमंड कट एलॉय व्हील है, ऊपर ORVM आपको बॉडी कलर में ही मिलता है, इसी में 10 इंडिकेटर दिया है। बॉडी के बीचों बीच देखेंगे तो क्रीज लाइन जाती हुई दिखती है, जो अलग से हाईलाइट होती है। यहाँ पे क्रोम पे डोर हैंडल मिल जाते हैं, इसमें कुछ भी ऐसे फ्रिज नहीं लगी है, सभी चीज़ें आपको गाड़ी के साथ ही मिलेगी। आगे टायर में डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है। पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज का है, एक बार आप पूरा रियर का डिज़ाइन देख लीजिए। इस गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा है, चाहे आप पूरा फ्रंट का देखिए, साइड से देखिए या रियर का देखिए, बहुत बढ़िया लगता है। ऊपर यहाँ पे डिफॉगर मिल जाता है, हाई स्टॉप माउंटेन लैंप दिया है, फार फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे वॉफर वगैरह नहीं मिलता। और बीच में देखेंगे तो बड़े साइज का लोगो दिया है क्रोम पे, IVTEC की बैजिंग मिल जाती है। पूरा टेल लैंप यूनिट देखेंगे तो LED का यूज किया गया है। साइड में 10 इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लैंप मिल जाता है, ये चीज़ें जब ऑन रहती है ना तो बहुत बढ़िया लगती हैं। और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, कैमरे की प्लेसिंग आपको लोगो के नीचे मिलेगी। अमेज की बैजिंग मिल जाती है, 3D फॉन्ट में लिखा हुआ है क्रोम पे। 35 लीटर का फ्यूल टैंक है, ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है, डीजल और CNG में नहीं आती है। और नीचे देखेंगे तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, दोनों साइड रिफ्लेक्टर दिए हैं। और ये नीचे आपको जो बम्पर में लाइन दिख रही है क्रोम की, ये भी गाड़ी के साथ ही मिलेगी। 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। अब एक बार हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं, यहीं पे आपको बटन मिल जाती है जिसको प्रेस करके आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि ऊपर कवर किया गया है, बाकी गाड़ियों में कवर नहीं मिलता है, यहाँ पे अच्छे लेवल का बूट स्पेस भी मिल जाता है और पूरा ही कवर किया गया है, ये अच्छी बात है। लगभग 420 लीटर का बूट स्पेस है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्पेयर व्हील होना चाहिए, हाँ यहाँ पे स्टेपनी मिल जाती है, टूल किट वगैरह ये सभी चीज़ें हैं। बूट स्पेस अच्छा है, अगर आप फैमिली ट्रिप में जाते हैं तो अच्छा खासा सामान आ जाएगा। अब एक बार पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं, डोर हैंडल पूरी तरह से क्रोम पे हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ब्लैक और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर का यूज किया गया है, बेज कलर का, ये भी अलग से हाईलाइट होता है। ओपनर मिल जाता है, पावर विंडो का बटन है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है। नीचे स्पीकर और बॉटल रखने के लिए जगह मिल जाती है। इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं चारों ही डोर पे। अंदर का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बेहतरीन लगता है, पूरी तरह से लग्जरी गाड़ी लगती है। ये जो लाइट कलर का पूरा कॉम्बिनेशन है ना, बहुत बढ़िया लगता है। सीट देखेंगे तो पूरी तरह से फैब्रिक में है, कुशनिंग अच्छी मिल जाती है, फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं। लेकिन स्पेस भी देखेंगे तो अच्छा है, पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं,
बीच में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है दो कप होल्डर के साथ, इसमें आप अपनी ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं और पीछे बैठ के पूरा इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर फिक्स वाले ग्रैब हैंडल दिए हैं, बीच में कैबिन लाइट दी है, पीछे पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट जरूर होना चाहिए था एडजस्टेबल वाला। यहाँ पे देखेंगे तो पीछे कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता, ये भी चीज़ होनी चाहिए थी टॉप मॉडल पे। बाकी आपको यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। पीछे स्पेस अच्छा है, लगभग 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एरिया अच्छा मिल जाता है। ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। पूरी तरह से आपको स्मार्ट की मिलती है इस गाड़ी में, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो डोर की ओपनिंग बहुत बढ़िया है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो पीछे की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर कलर का भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे ओपनर मिल जाता है, सराउंडिंग में पूरा सिल्वर है। नीचे ORBM को एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए बटन है, चारों पावर विंडो के बटन है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो सॉफ्ट टच है, 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं और स्पीकर मिल जाता है। एक बार आप ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की दोनों सीट देख सकते हैं, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सीट पूरी तरह से फैब्रिक में है, लेकिन कुशनिंग अच्छी मिल जाती है। सीट की हाइट और रिक्लाइन दोनों ही एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें आप बैठ के कितनी भी दूरी ड्राइव करेंगे थकावट महसूस नहीं होगी, सीट पूरी तरह से सोफा टाइप से फील होती है, और यहाँ से आप आगे और पीछे कर सकते हैं। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो साइड में एसी वेंट मिल जाते हैं, सराउंडिंग में सिल्वर का यूज किया गया है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, हेडलैम्प के लेवल को सेट कर सकते हैं। नीचे ABC पैडल है, साइड में थोड़ी सी जगह भी है डेड पैडल के लिए, आप अपना पैर रख सकते हैं। यहाँ से फ्यूल टैंक और बोनट ओपन कर सकते हैं, और नीचे देखेंगे तो बूट ओपन करने के लिए दिया है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको सभी चीज़ें बताता हूँ। स्टीयरिंग व्हील का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बेहतरीन लगता है, यहाँ पे लेदर रैप नहीं है लेकिन देखने में प्रीमियम है। बीच में लोगो मिल जाता है, नीचे एयरबैग, दोनों साइड हॉर्न है, लेफ्ट साइड में म्यूजिक सिस्टम और टेलीफोनिक का कंट्रोल मिल जाता है, सिल्वर कलर का भी यूज किया गया है सराउंडिंग में, और राइट साइड में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ये टॉप मॉडल है तो पूरी तरह से फीचर लोडेड है। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट साइड में वाइपर का कंट्रोल दिया है, और राइट साइड में ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिया है, और यहीं पर इंडिकेटर का कंट्रोल। सामने आप पूरा क्लस्टर देखेंगे तो सेमी डिजिटल है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बीच में डिजिटल MID मिल जाती है, और दोनों साइड भी देखेंगे थोड़ा सा डिजिटल पैनल दिया है। इसमें आपको ज़रूरत की सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेंटर कंसोल का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो ऊपर AC वेंट है, सराउंडिंग में सिल्वर कलर का यूज किया गया है, नीचे पूरा ही पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है। 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आता है। साइड में हजार्ड बटन है, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे USB का सपोर्ट है, यहाँ से आप एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले चला सकते हैं USB से, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, दो कप होल्डर के लिए जगह है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, हैंड ब्रेक मिल जाता है। नीचे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, टॉप मॉडल में ये चीज़ होनी चाहिए थी। डे नाइट IRBM है, कैबिन लाइट हाइड्रोजन पे दी गई है, ये भी अगर LED में होती तो बहुत बढ़िया लगता। यहाँ पे सिर्फ सनवाइजर है, और को ड्राइवर साइड देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिल जाता है। साइड में फिक्स वाला ग्रैब हैंडल है। एक बार आप पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन लगता है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी अच्छे लेवल की है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा सिल्वर कलर का यूज किया गया है। डिफरेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। और अंदर सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन लगता है ना, इसका पूरा स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम लगता है। अब एक बार हम इस गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं। IVTEC 1199 cc का BF6 Phase 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको 88 BHP की मैक्सिमम पावर 6000 RPM पे और 110 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 4800 RPM पे मिल जाता है, और इस गाड़ी में लगभग 18 KMPL का माइलेज भी क्लेम किया जाता है। और इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो बेस मॉडल की प्राइस स्टार्ट होती है 7,19,000 रुपये से, और टॉप मॉडल की कीमत है जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है तो लगभग 9,96,000 रुपये। और अभी ये आपके सामने VX पेट्रोल में है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 9,04,000 रुपये। और ये गाड़ी आपको स्मार्ट सिटी होंडा होशंगाबाद रोड भोपाल में लगभग 10,20,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप ये गाड़ी किस्त में ख़रीदना चाहते हैं तो लगभग 1,20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक का डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आज के ये वीडियो और ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।